में नहीं दिख रहा हो, हम लोग तो हर तरह से जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभा रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे महिला सेल के द्वारा वहाँ काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया गया, हर इशू पर हम लोग अपनी व्यू रख रहे हैं, उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। रही बात अमित शाह जी का यहाँ आना, तो अमित शाह जी अपना एजेंडा पर आए थे और बिहार के लोगों को भ्रम में डालने के लिए आए थे कि नीतीश कुमार और भाजपा में कहीं ना कहीं मेल हो गया है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, नीतीश कुमार और भाजपा में किसी प्रकार का कोई मेल होता नज़र नहीं आया है। आपस में देखिएगा, कुछ दिन के बाद कुश्ती होगी, और कुश्ती होगी भी तो बहुत विभत्स कुश्ती होगी। और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी दूसरा चक्कर में हैं, दूसरा गठबंधन बनाने के में हैं, जिसमें हो सकता है कि और पार्टियों को शामिल करें। तो वैसी परिस्थिति में उनका काम था वो किए, और यहाँ आ कर के जो राजशाही ठाठ होता है वही ठाठ दिखलाने का काम अमित शाह जी किए और यहाँ के भाजपा यूनिट के लोग किए, जो कितना करोड़ रुपया खर्च किए होंगे उनके आवागत में। शाही स्वागत हुआ और शाही स्वागत लिए इस जनतंत्र में इस प्रकार का फोकसबाजी करना, हम समझते हैं कि बहुत एक ही बात है। और हम चार्ज करना चाहते हैं भाजपा को कि आज भाजपा मोनेटाइजेशन के नाम पर काला धन बरामद करने की बात वो कर रही है, तो आज देश के सभी जिलों में करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ भूमि लेना और ऑफिस बनाना, और फिर इस प्रकार का वो जो खर्च कर रही है वो कहाँ से खर्च कर रही है। कहने का मतलब है कि जो काला मोनेटाइजेशन के पहले वो संपत्ति अर्जित करके या दबा करके रख ली थी, आज उसी को सामने वो लोग दिखला रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है।